तो दोस्तों अभी जाने वाले हैं हम रिवर साइड कैंपिंग करने के लिए आउट। तो दोस्तों लग चुका है हमारा यहाँ पे टेंट और यहाँ से सामने का जो व्यू आता है, यहाँ पे पहले हम राजमा को बॉयल करेंगे, देन उसके बाद। तो दोस्तों फिलहाल जला दी हमने यहाँ पे आग, दो चूल्हा, तो अभी तो फिलहाल दूध को उबालने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार भिंडा पुलना घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के बज रहे हैं 9 और आजकल दो चार दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पहाड़ों में फिर से हो गई है ठंड। और सामने का नज़ारा आप देख सकते हो कि हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों पर कितनी बर्फ पड़ चुकी है। तो दोस्तों आजकल लग चुकी है पहाड़ों में जम के बारिश, जिससे चारों तरफ ग्रीनरी देखने को मिल रही है। और ये देखिए सामने पहाड़ों पे बर्फ। तो दोस्तों अभी जाने वाले हैं हम रिवर साइड कैंपिंग करने के लिए, आउटडोर कुकिंग करने के लिए, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है। और आज मौसम अच्छा था तो हमने सोचा कि चलो ये सब काम भी कर ही लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लगाने वाले हैं हम कैंप और यहीं पे हम आउटडोर कुकिंग करेंगे। तो पहले मुझे इस रॉक को चढ़ना पड़ेगा ऊपर, तब जाकर के जंगल में पहुँचेंगे। और ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, गांव के पास ही में आए हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी रॉक है, इसको चढ़ लेते हैं पहले। और ऐसा रास्ता है कुछ, और यहाँ पे और कोई मिले ना मिले जबरू पहले मिल जाता है। और यहाँ पे दो लोग पहले ही पहुंच चुके हैं अपने कैंप साइट पे। तो दोस्तों यहाँ पे लगेगा हमारा कैंप टेंट, और केशव अभी साफ कर रहा है यहाँ पे, देन उसके बाद यहाँ पे टेंट लगाया जाएगा। और यहाँ पे हुआ करती थी टनल, जिसको अभी बंद कर दिया है फिलहाल। तो दोस्तों लग चुका है हमारा यहाँ पे टेंट और यहाँ से सामने का जो व्यू आता है बहुत ही ज़बरदस्त आता है गांव का। और ये देखिए नीचे नदी लक्ष्मण गंगा और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़। आइए आइए नदी के पार आइए। और यहाँ पे केशव लगा रहा है चूल्हा जिसमें हम खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे गौरव जा रहा है पानी लेने, चला गया है पानी लेने के लिए। केशव और मैं आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब आग जला रहे हैं, कोशिश नहीं, जलानी है हमें आग खाना बनाने के लिए। बिना आग जलाए कैसे होगा। और टेंट का मुंह हमने इस तरफ कर लिया है ताकि छांव में रहे। और हमारे साथ दो लोग और आने वाले हैं, वो अभी नीचे पे है। और नीचे दोस्तों आज हमारे साथ कुछ नए मेहमान हैं, हमारे नए दोस्त हैं, ठेकेदार एक्सप्लोरर भाई और अपना पोस्ट ऑफिस मयंक भाई, जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं यहाँ पे। हेलो दोस्तों, तो आइए आप लोग भी साथ में भैया के साथ हमारे कैंपिंग एंजॉय कीजिए और मजेदार कैंपिंग होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए आप लोग। बिल्कुल, यहाँ पे पहले हम राजमा को बॉयल करेंगे, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस चावल का। और यहाँ पे केशव पहले इसको साफ कर रहा है, फिर हम राजमा को बॉयल करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल जला दी हमने यहाँ पे आग, दो चूल्हा बनाया है, दो चूल्हा बना रखा है हमने, एक में रखेंगे हम राजमा और दूसरे में कॉफी, पहले तो कॉफी बनाएंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसी लोकेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे केशव बना रहा है अभी फिलहाल कॉफी, और इसमें रखा है हमने राजमा बॉयल करने के लिए। आग ठीक से जल नहीं रही अभी, धीरे धीरे जलेगी। और यहाँ पे हो रहा है हमारे संतोष भाई का फोटोशूट, और ये हमारे भाई है, इनका भी एक चैनल है ठेकेदार एक्सप्लोरर। और यहाँ पे हमारा अपना उत्तराखंड वाला भाई कर रहा है आराम। तो दोस्तों अभी रेस्ट चल रहा है बिल्कुल यहाँ पे,
क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है यार, ये मुंह पे ला रहा है कैमरा। तो उत्तराखंड वाला भाई गौरव भाई कर रहा है आराम यहाँ पे, और बाकी सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और केशव को हो गया यहाँ पे धुआं, आँख खोली नहीं जा रही, और मेरे अंदर मकड़ा घुस गया शायद। और जहाँ भी हम लोग इधर उधर जाते हैं वहाँ पे जबरू पहुँच ही जाता है, और जबरू भी यहाँ पे आराम कर रहा है गौरव की तरफ। हेलो जबरू, किसके साथ आए तू यहाँ? ओए जबरू। तो दोस्तों आज कुछ ऐसी लोकेशन पे आए हैं हम खाना बनाने के लिए, आउटडोर कुकिंग करने के लिए, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा व्यू आ रहा है और मज़ा भी बहुत आ रही है। तो आप लोग देख ही सकते हो, सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, और सामने रहा हमारा गांव पुलना। और यहाँ पे हम राजमा को बॉयल करने के लिए रख देंगे। अब हल्की बॉयल तो हुई है, चीनी चुनी ली है, तो अभी तो फिलहाल दूध को उबालने के लिए रखा है। इसके बाद हम इसमें कॉफी और चीनी डालेंगे, और बाकी उस वाले चूल्हे में हम रखेंगे राजमा। तो यहाँ से निकालेंगे हम चीनी। ओ चीनी कौन चिला? देख सकते हैं यहाँ पे। नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बन चुकी है हमारी कॉफी, और इसको सर्व कर रहे हैं अभी। गौरव भाई करेगा सर्व। तो यहाँ पे तो दोस्तों बन चुकी है कॉफी, और इसको पीने की तैयारी करते हैं। तो गौरव भाई से पूछते हैं कॉफी कैसे बनी हुई है। दोस्तों एक नंबर, और इस लोकेशन पे ना ऐसी कॉफी मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। और हमारी जो भोजन माता है कुक, यहाँ पे केशव चौहान है, मजा आ गया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कटिंग हो चुका है, प्याज टमाटर और ये कुछ ग्रीन पत्ते मिर्च सब कुछ कटिंग हो चुका है, और दाल भी हमारा लगभग बॉयल हो ही चुका है, और थोड़ी देर में हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे केशव है हमारा बावर्ची। दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी जो राजमा की दाल है लगभग बनी गई है, और इसके बाद रखते हैं चावल। तो दोस्तों दाल बन के हो चुकी है रेडी, और इसमें अब धनिया डाला जा रहा है, और भात बन रहा है अभी हमारा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे बन चुकी है दाल चावल, और खाने के लिए रेडी हो रहे हैं अब। तो यहाँ पे हो रहा है खाना सर्व, केशव भाई कर रहा है, और केशव ने बहुत अच्छी दाल बनाई हुई आज। आजी दाल देखिए। और हमारे यहाँ पे मयंक भाई को पहली बार पहाड़ी राजमा खिलाएंगे हम, बेसिकली ये दिल्ली से है। यहाँ पे खा लिया है हमने खाना, और अब करते हैं थोड़ा रेस्ट, देन उसके बाद चलते हैं अपने घर। तो यहाँ पे सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, और ये पता नहीं क्या करता रहता है अंदर, ये देखिए उल्टे काम रहते हैं इसके जहां भी देखो। मैं पागल हूं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे है टनल, हालांकि इसको बंद कर दिया गया था। तो ये देखिए, तो दोस्तों लंच तो हो गया है, लेकिन बहुत टाइम बाद 1 बजे से करीबन हम लगे हुए थे, तो 4 बजे तक बन गया दाल भात जो भी है, क्योंकि राजमा को पहले बॉयल किया, देन उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो किया, फिर अभी खाना खाया जस्ट, और अभी सब रेस्ट कर रहे हैं। तो सामने दिख रहा है मेरा गाँव, ये देखिए पीछे मेरा गांव है,
और मौसम भी अभी ख़राब होने लग गया है, तो देखते हैं आज क्या पता फिर से बारिश हो जाए, क्योंकि 4-5 दिन से कंटिन्यूसली बारिश है। मतलब सुबह नहीं लग रही है तो रात को नहीं लग रही है तो सुबह नहीं लग रही है तो फिर दिन में, तो मतलब बारिश कंटिन्यूसली है ही है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों यहाँ पे टेंट को कर लिया है फोल्ड और बारिश का भी सीन हो रहा है, तो चलते हैं अब घर की तरफ। दोस्तों बर्तन धोते हैं नीचे नदी में और उसके बाद चलते हैं घर। गांव सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने टेंट खोल दिया है और भाई लोग भी तैयार हो चुके हैं, तो इस जगह को करते हैं बाय बाय और मिलते हैं इसी जगह पे कुछ दिनों बाद। तो हम भाई मृत्युंजय भाई को पूछना चाहेंगे कि कैसा लगा यहाँ पे भाई? मजे आ गए भाई साहब, और जब भी जिंदगी में मौका मिले तो कैंपिंग जरूर कीजिए, काफी मजे है, सुकून वाली जिंदगी है, मौज लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये अपना मयंक भाई को भी बहुत मजा आया होगा यहाँ पे, बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि बात बोलेंगे कैंपिंग करने में मेहनत तो है और मजे हैं। बिल्कुल सही बात है, और दोनों भाई हमारे दिल्ली से हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा रास्ता है कुछ चलने के लिए, बर्तन भी धुल चुके हैं और चलते हैं अब घर की तरफ। बहुत मजा आया आज का कैंपिंग करके, आउटडोर कुकिंग करके। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम घर के गांव की तरफ और कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है गांव के बैक साइड से। तो दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं घर की तरफ। तो दोस्तों फिलहाल पहुंच चुके हैं हम घर पे और आज आउटडोर कुकिंग करके बहुत ही मज़ा आ गया है, और फिलहाल अभी थोड़ी सी थकान सी महसूस हो रही है क्योंकि हम 12 बजे से गए हुए हैं वहां पे और 4 बजे तक हमारा खाना ही बन रहा था, देन उसके बाद खाना खा करके हम आ चुके हैं घर पे। तो दोस्तों इस बार जो श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट है वो 20 मई से खोले जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और फिलहाल करता हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।